हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन वाइब्स। और आज हम बात करेंगे एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एमबीबीएस इन रशिया के बारे में, और हमने आपसे बताया था कि हम ऐसे ही आपको अलग अलग कंट्रीज में जो बच्चे हमारे इंडिया से मेडिकल कोर्सेज के लिए जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उसके बारे में आपके सामने रखेंगे। तो आज हम बात करेंगे एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो हम जिस क्राइटेरिया में बात करेंगे वो है स्टूडेंट्स वहाँ पे कैसे जाते हैं, वेदर, क्लाइमेट, कंडीशंस, नंबर ऑफ कॉलेजेस, ड्यूरेशन, उनकी इंटर्नशिप, इन सब सारी चीजों के बारे में हम आपके सामने आज बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि बांग्लादेश जो है हमारे कंट्री की नेबरिंग कंट्री है, काफी सारे बच्चे वहाँ पे प्रेफर करते हैं एमबीबीएस के लिए। अगर आप देखेंगे तो एक काफी बड़ा जोन, अगर आप बोलोगे तो काफी बड़ा तकबा जो स्टूडेंट्स का है वो बांग्लादेश एडमिशन्स के लिए जाता है। और अगर मैं देखूं तो उसका कुछ रीजंस भी है स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं अब हमारे और बांग्लादेश के वो काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में। तो जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो स्टूडेंट्स को जो माहौल मिलना चाहिए, जो ड्यूरेशंस हैं, और सबसे बड़ी बात है अगर हम देखेंगे तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बाद जो बच्चों को बीमारियां हैं, जो बच्चे वहाँ पे उस पर प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे इंडिया से काफी सिमिलर है। इस वजह से हमेशा से बांग्लादेश ही काफी पॉपुलर और फेमस डेस्टिनेशन रहा है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स फॉर मेडिकल कोर्सेज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। अगर हम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं तो पूरे की पूरे बांग्लादेश में आपको 6 ईयर्स की स्टडी होती है, एज लाइक अदर कंट्रीज लाइक रशिया। तो अगर आप 6 साल की स्टडी की बात करोगे तो उसमें 5 ईयर्स का कोर्स होता है स्टूडेंट्स, और 1 साल की उसमें इंटर्नशिप इंक्लूड होती है प्रॉपरली। जो मेजर सिटीज है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो शायद मैं आपको बताऊं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बांग्लादेश की वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ पे। इसलिए बच्चे वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जब भीड़ ज्यादा है, जगह कम है, तो हॉस्पिटल्स में ओपीडीज अच्छी हैं, पेशेंट लोड अच्छे हैं, तो कॉलेजेस की फैसिलिटी, कॉलेज जो सिखाता है बच्चों को, काफी ज्यादा उसमें बच्चों को समझ में आता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है फ्रेंड्स, जहाँ जिसके लिए बच्चे बांग्लादेश के लिए ऑप्ट करते हैं, बांग्लादेश के लिए जाना चाहते हैं। तो रही बात ड्यूरेशन की, जैसा मैंने बताया कि 6 ईयर्स का ड्यूरेशन है, 5 साल की इंटर्नशिप, 5 ईयर्स का आपका कोर्स एंड 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप। इसके अलावा अगर हम क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें तो एज सिमिलर एज इंडिया, क्योंकि वो हमारे से बॉर्डर शेयर करता है, तो जो उनके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हमारे इंडिया के इक्विवेलेंट है। तो बच्चों को काफी कहीं क्लाइमेट में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कहीं ठंड होती है, कहीं कुछ ज्यादा ही गर्मी होती है, ये चीजों में बच्चों को एकदम भी दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बांग्लादेश की इंडिया की तरह है, इस वजह से जो बीमारियां भी हैं हमारी और बांग्लादेश की वो काफी सिमिलर हो जाती है, तो बच्चों को काफी हेल्प हो जाती है पढ़ाई में, इंटर्नशिप में, हॉस्पिटल प्रैक्टिस में। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम अब बात करेंगे कि क्या बच्चे वहां पे कितने जाते हैं, किस जगहों पे बच्चे जाते हैं। दोस्तों देखिए, जो कुछ वहाँ पे मेजर सिटीज है, जस्ट लाइक ढाका, सिलेट, खुलना, कोमिला, ये कुछ मेजर सिटीज है जहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जहाँ पे बच्चे जाते हैं, पेशेंट लोड है, मोस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो ढाका में है। तो जो हमने पिछले भी वीडियोस में आपसे बात की हुई है, जस्ट लाइक कि जो हम कॉलेज जस्ट चूज करें तो हम ये जरूर देखें कि कॉलेज कितना पुराना है, कहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है, कितने पेशेंट लोड है, इंडियन स्टूडेंट्स कैसे वहाँ पे पढ़ते हैं, और सबसे मेजर फैक्टर कि वहाँ की ओपीडी कैसी है। इन सब फैक्टर्स को देख के ये 3-4 जो शहर है वो वहाँ काफी मेजर सिटीज हैं, और उनमें कुछ कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जस्ट लाइक तरुनिसा मेडिकल कॉलेज, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, ZS सिकदर, सिराजुल इस्लाम, इस तरह मैना मोती मेडिकल कॉलेज इन कोमिला सिटी। ये काफी दोनों तरह से अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया से घिरा हुआ, और ये कॉलेजेस काफी फेमस है। मैं आपको बताऊं, इसमें अगर आप देखेंगे इंडियन स्टूडेंट्स तो अप्रोक्सीमेटली आपको 250-300 इंडियन स्टूडेंट्स पूरे 5 से 6 ईयर्स में मिल जाएंगे पढ़ाई करते हुए, इंडियन स्टूडेंट्स, एंड प्रॉपर पूरी तरीके से वहाँ पे हॉस्टल्स की सुविधा फॉर गर्ल्स एंड बॉयज के लिए कैंपस के अंदर है वहाँ पे। और किसी किसी कॉलेजेस में इंडियन हॉस्टल्स भी अवेलेबल है। और खाने की अगर मैं बात करूँ तो हमारा कल्चर और उनके कल्चर में काफी सिमिलैरिटीज है, तो बच्चों को खाने की दिक्कत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी फेमिलियर कंट्री है, काफी
फ्रेंडली कंट्री है अगर हम देखें, और काफी ज्यादा पास में है तो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जैसे कि अगर हम दूर जाते हैं लाइक जॉर्जिया एंड ऑल किसी भी कंट्रीज में आप देखते हो एमबीबीएस के लिए, तो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है स्टूडेंट्स के बजट में, तो उस चीज को भी कहीं ना कहीं कम कर देता है आप अगर बांग्लादेश में एमबीबीएस करने जाते हैं तो। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसको देख के हमें बांग्लादेश में एडमिशन के लिए ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपको बांग्लादेश के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू चाहिए तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह की वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और फैक्चुअल वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा हो और वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल।